गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक इज रिवीजन एज वेल एज द प्रीवियस क्लास। जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो रिवीजन किया था वही रिवीजन में रहेगा। ओके, सौम्या प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। तो रिवीजन में जो हमारा जो मेन चैप्टर्स का जो कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं स्पेशली उस पर हम लोग कंपेयरिंग का देखें। तो हेयर फर्स्ट इज कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। फॉर द कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर द प्रोसेस बी द टू टाइप्स। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करके देख लेना। लेकिन मेन प्रोसेस फॉर द कंपेयरिंग ऑफ द रेशनल नंबर इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हेयर वी सी एज जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज योर -8/3 एंड 19/-6। यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को व्हेन टू रेशनल नंबर इफ हैव द नेगेटिव रेशनल नंबर इन व्हिच वन डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो फर्स्ट वी चेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मींस -8/3 एंड -19/6। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, यानी -8 × 6 और -19 × 3। -8 × 6 -48 और इधर -57। अब -48 -57 में कौन बड़ा हो जाएगा, तो -48। सो -8/3 इज ग्रेटर देन 19/-6। ये हो गया आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का कंपेयरिंग है कि हाउ वी कंपेयर द रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। -4/3 और -6/7, इसमें सब सेम ही है, कोई दिक्कत इसमें किसी पर नया कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर हो गया -4 × 7 -6 × 3 -4 × 7 -28 -6 × 3 -18। तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा रहेगा वह भी बड़ा होता है, ठीक ना? क्योंकि अगर आप देखो हम ये कैसे कह रहे हैं, तो 0, -1, -2, -3 अगर लिख रहे हो तो आप देखो राइट साइड में जो नंबर रहेगा वो बड़ा होगा। तो -2, -1 में कौन बड़ा है? -1, -3, -2 में कौन बड़ा है? तो -2। इस तरह से हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब -28 और -18 में कौन बड़ा है? तो -18 बड़ा है। और यहाँ बार बार मैंने क्या कहा है, जिसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसको उसी साइड में लिखोगे, यानी -4 इसका है, तो -4 × 7। सो -4/3 इज लेस देन -6/7। इस तरह से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर बाय द मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम करके कैसे करते हैं, ठीक ना? जैसे आपका लिया -5/8, -5/8 और -3/4। आप इसमें सबसे पहले एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ऑफ 8 और 4, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, नहीं हो तो 100 कर दीजिए इसको। एलसीएम में
प्राइम नंबर से लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी लगाओगे प्राइम नंबर से लगाओगे। 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 3 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा, तो आ गया यहाँ 2 into 2, और यहाँ 1 छोड़ के 2 है तो 1 2 और 8। -5/8, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी शो कर रहा हूँ 1। आप लोगों के पास बोर्ड क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 8 एक्चुअली था ही, हमने क्या किया, चलो शो करने के लिए इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, -3/4, 4 को 8 बनाना है, तो 4 को 8 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। अब ये टर्म हो गया -5/8, और ये हो गया -6/8, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो इन सच के ओनली कंपेयर द न्यूमरेटर, -5 और -6 को कंपेयर करोगे तो -5 greater, तो साइन आपका ग्रेटर देन का लगा दीजिए और लिख दीजिए सो -5/8 इज ग्रेटर देन -3/4, ठीक है? यस जी जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, ठीक। हाँ, कौन उदित बोल रहे हैं? इच्छित बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सर सेम नहीं आएगा, तो चलो। हाँ, इच्छित इच्छित केवल ये ध्यान देना है बाबू कि अगर डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, केवल उस केस को खाली आइडेंटिफाई कर लेना है, बाकी में एकदम एज यूजुअल चलना है, बाकी में एज यूजुअल चलना जी। अच्छा, तो वो क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन को जो है ना आप बताइएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग भी डिस्कस कर। मैं तब कभी कभी ऐसा होता है बुक का भी आंसर गलत होता है, तो एक बार यही नहीं हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे बुक सही ही होगा, इस तरह की जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना? जैसे एक और ओके, 5/9 और 4/6 लेते हैं। अब देखो गूगल से तुम लोग क्या करते हो, गूगल का यूज तुम लोग एग्जामिनेशन में भी करते हो लगता है हमें, तब एक वीडियो है अच्छा कोई बात नहीं, चलो एलसीएम ऑफ 9 and 6, इसको भी कॉमन डिनोमिनेटर से देख लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, एक चीज, ओके ओके, स्टॉप दिस टाइप ऑफ डिस्कशन, नाउ कंसंट्रेट ऑन योर क्लास। तो इसका एलसीएम आपका आ गया 18, ओके। अब यहाँ है 5/9, 9 को 18 बनाना है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 6 से इसको मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, यानी 18 बनाना है, इसलिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, दोनों को एलसीएम इक्वल लाना। अब ये हो गया 10/18 और ये 12/18। अब देखिए 18 18 सेम है, तो 10 और 12 में कौन बड़ा है, 12, सो 5/9 इज लेस देन 4/6, सो 5/9 इज लेस देन 4/6। ये समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं, जिस तरफ बड़ा होगा उधर मुंह खुला हुआ रहेगा,
यानी चिड़िया की चोच, जिधर खाना अच्छा उधर मुंह खोल के खा लेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग लेस देन बोलते हैं। नहीं तो वर्ड में भी लिख सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम लोगों ने कंपेयरिंग ऑपरेशनल नंबर देखा, क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर, दैट इज बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे अननोन क्वांटिटी टू कंपेरेशनल नंबर आज कंपेयरिंग विद द इक्वल टू साइन, आर वी फाइंड आउट देयर अननोन क्वांटिटी, उस पर कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे आपके पास 9/15 इक्वल टू एक्स बाय माइनस 50, क्या है दो रेशनल नंबर इक्वल टू साइन के साथ कंपेयर है, इसमें हमें अननोन क्वांटिटी यानी एक्स का वैल्यू निकालना। तो इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही करेंगे। आई होप सारे बच्चे बना रहे हो ना, केवल देख नहीं रहे हो। हाँ बनाते बनाते जाइएगा, अगर नहीं समझ नहीं समझिएगा तो इसलिए ओके, नहीं अगर समझिएगा तो मैं दो क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझने के लिए दूसरे क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिए। अब ये इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 9 × −50, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे है उसी तरह से, इक्वल टू एक्स इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई ना करके x का वैल्यू निकाल लीजिए सीधा, यानी 9 × −50 बाय 15 इक्वल टू एक्स। 9 से करते हैं 3 से टाइम्स, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 × −10 टाइम्स में 50, यानी ऊपर में बचा 3 × −10 इक्वल टू एक्स, यानी −30 इक्वल टू एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज −30, ये आपका आंसर हो गया। ओके अब एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, 3/5 इक्वल टू एक्स बाय 15, थ्री बाय फाइव इक्वल टू एक्स बाय 15, हम भी साथ साथ चलते हैं। पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 जिस तरफ न्यूमरेटर है उसी से मल्टीप्लाई करके लिखिए, एक्स इंटू 5, ओके, तो 3 × 15 ये 5 नीचे आ जाएगा डिवीजन में एक्स। अपनी अपनी कॉपी रख दीजिए सामने में, 5 × 5 = 5, 3 = 10, आप लोगों की कॉपी सामने में है कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख रहा हूँ मैं। 9 = x, एक्स इज इक्वल टू सबका 9 आया है ना, यस, चलिए आप फटाफट एक और बना लीजिए तब आप लोग, 36/x इक्वल टू −4, 36/x इक्वल टू −4, हाँ तो उसको अगर नहीं है डिनोमिनेटर तो उसको −4/1 कर सकते हो।
कितना आंसर आएगा? यस माइनस, वेरी गुड, माइनस 9। इसको क्या कर देना, 1 कर लीजिए, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी अभी हम कह रहे थे जिसके न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे उसी तरफ लिखने के लिए, तो आप चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए इसको इधर लिखिएगा एक्स इंटू माइनस 4, थोड़ा सुविधा हो जाएगा स्टेप में। जिस तरफ एक्स है एक्स को हम लेफ्ट साइड कर लें, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 36 बाई माइनस 4। अब माइनस 4 से आप कट करोगे तो 9 नहीं लिखना, माइनस 9 लिखना है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू माइनस 9। यहाँ पे काटने पर ध्यान देना जरा सा, जैसे 1 इंटू 36 लिखे और यहाँ माइनस 4 लिखा, कोई बच्चा अगर 9 यहाँ पे लिख रहा है तो यहाँ पे काट के माइनस 1 नीचे करना होगा, नहीं तो यहाँ पे माइनस 9 के साथ माइनस लगाना होगा, ठीक ना, दोनों में से कोई एक का। यहाँ पे माइनस साइन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, ठीक ना। तो अभी जो कॉमन डिनोमिनेटर हम लोगों ने देखा, कॉमन डिनोमिनेटर से कंपेयर करना, तो फॉर एसेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर में भी हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर से देखेंगे। अगर कोई बच्चे हमें बता सकते हैं कि मैं अभी कौन से वर्कशीट को मैं करा रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता। वाह वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए आज एक भी बच्चा नहीं ने पूछा कौन सा पेज नंबर चल रहा है, तो आप जब पढ़ के आओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आज हमारी क्लास में क्या होगा। रिवीजन से स्टार्ट किया हूं तो कंटिन्यू क्लास कर रहा हूं, नहीं तो क्लास के शुरुआत में ही टॉपिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं कंटिन्यू उसको नहीं करूंगा तो कहूँगा चलिए आज थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पूरे एक्सरसाइज को। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 2/5 माइनस 1/2 कॉमा 8/-15 कॉमा -3/-10। एट फर्स्ट वी चेक देयर डिनोमिनेटर, आप इसमें डिनोमिनेटर को चेक कर लो सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो 2/5। उसके लिए हम लोग कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट हम चेंज कर देते हैं, केवल माइनस साइन को ऊपर भेज देते हैं, तो -8/15 और इसमें तो दोनों में नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/10 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5, 2, 15, 10, एलसीएम ऑफ 5, 2, 15 और 10। सारे बच्चे का एलसीएम भी हमारा रिवीजन हो रहा है ना, एलसीएम निकाल के दिखाइए बगल में ही। आप सबसे पहले किससे लगाओगे, 2 से लगाओगे, 2 1 2 15, 2 5 10। और कब तक लगाओगे, जब कम से कम दो नंबर कटे तभी लगाना। आप 5 से 5 1 5 1 5 3 15 5 1 5, एलसीएम हो गया 2 × 5 × 3 यानी 30। सब डिनोमिनेटर को 30 करना है। आप चाहो तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख के भी लिख सकते हो, लेकिन अगर चाहें तो हम सेम करते हैं 2 × यानी 5 को 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 6 से,
और माइनस 1 बाई 2 है, 2 को 13 बनाने के लिए 15 से, तो दोनों में ऊपर नीचे करते जाएंगे हम लोग, और 15 को 30 बनाने के लिए 2 से, और 10 को 30 बनाने के लिए 3 से, सब हो गया, 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नंबर क्या लिखा जाएंगे आपके, -12/30, और ये क्या लिखा जाएगा, -15/30, और ये क्या लिखा जाएगा, -16/30, और ये क्या लिखा जाएगा, 9/30। अब देखिए -15 और -16 में पहले देख लेंगे कौन सबसे छोटा होगा, -16, उसके बाद दूसरा नंबर पे -15, और तीसरा नंबर पे 9/30, और चौथा नंबर पे 4/12/30। अब इसको लिख दीजिए 9/30, -16/30, -15/30, 9/30, 12/30, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर मेन स्ट्रीम में लिखना है ना हमको, तो एक स्टेप और हम लोग कर देते हैं। यस, अब देखिए सबके सामने ही लिखे हुए हैं ना हम लोग, तो -8/15, -1/2, 3/10, 2/5, एक स्टेप और कर देंगे हम लोग। चलिए बनाइएगा आप लोग बनाने का मन है तो बनाइए। लिखिए क्वेश्चन, -3/4, इसको साफ करें अभी, एक मिनट थोड़ा सा रहने देते हैं पहले। -3/4, -5/5, -12, -12, -7/16, -3/4, -5/-12, -7/16, -7/16, हाँ ऊपर में जो लिखे हैं अभी वो क्वेश्चन है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लीजिए, असेंडिंग में अभी किए इसको डिसेंडिंग में करते हैं, असेंडिंग में ही रहने दीजिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, चेक डिसेंडिंग एक बनाए हैं एक डिसेंडिंग कर लेते हैं हम लोग। तो पहला काम तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, उसके लिए जो काम करना है कर दीजिए पहले।
दूसरा काम एलसीएम लेना है, 4, 12 एंड 16। एलसीएम निकाल के शो कर देते हैं, 4, 12, 16। 2 से 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से 1, 3, 4। 2 into 2 into 3 into 4। 48। ये आ गया 48। तो -3/4 को 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। ओके, बहुत अच्छी बात है। किस ऑर्डर में लिखा लिखे हैं आप लोग? डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप देखें -36/48, 20/48 और -21/48। इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? उसके बाद तो 20, यस। और साइन इस तरह का उल्टा हो जाएगा ना, साइन डिसेंडिंग है तो -21/48 -36/48। अब इसके बाद मेन को भी लिखे हैं आप लोग? -5/-12, -7/16 और -3/4। तो आज हो गया कंपेयरिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत किस बच्चे को? क्लास इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? चलिए नेक्स्ट एक और कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 नहीं पढ़ाए थे हमने आपको, आप लोग दूसरे क्लास में पढ़ाए थे, दूसरे टीचर आप लोगों को पढ़ाए थे। आज फिर से इधर भी हो गया, दो बार हो गया आज। तो अभी ज्यादा अच्छा से समझे कि पहले ज्यादा अच्छा से समझे थे? वेरी गुड, दोनों बार अच्छे से समझे थे। छोड़ दीजिए अभी। अब देखिए -5/4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/4 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 को कंपेयर करना, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इसका 5/4 और इसका 4/5। नेक्स्ट स्टेप में नहीं, जो स्टेप है उसी से करिए ना सर, क्या दिक्कत है? तो 5 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट में, तो 25 और 16, तो 25 बड़ा है, दैट मींस -5/4 इज ग्रेटर देन -4/5।
5। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के किस में सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को चेंज करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है कि दूसरे में कोई भी हमारा साइन जो है विदाउट एनी साइन लिखाता है, और ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड साइन बोलते हैं। मोड बोलिए या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5, इस तरह से। अब हमारे समक्ष से मैंने तो सारी डिस्कशन कर दिए हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, एक फिल इन द ब्लैंक्स को देख ली, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह एक्स मान के नहीं काम कर सकते हम लोग, उसको तो एक्स मान के भी कर सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स -15 = 48/90। इसमें बोले थे ना कंपेयरिंग जब रहेगा तो उसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव है फिर, लेकिन ये इक्वल टू साइन से है तो यहाँ पे कोई भी उससे निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसको क्या मान लेते हैं, x, तो x इंटू 90 इक्वल टू 48 × -15। x इक्वल टू 48 × -15/90। -15 से कट जाएगा कितना टाइम्स में, 15 - 1 में, आप 15 6 = 90, 6 से 8 टाइम्स में। ऊपर में बचा 8 × -1 यानी -8, x का वैल्यू -8 यानी आ गया यहाँ पे -8/-15 = 48/90। कोई दिक्कत, यस यस यस, हाँ बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत। नाइन जीरो है यहाँ पे, वो 90 से डिवाइड हुआ है, x के साथ 90 लिखा हुआ है ना, वही डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का वर्ड से चैप्टर 1 रैशनल नंबर कंपेयरिंग कंप्लीट हो गया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, उसके बाद कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, रेशनल नंबर राइटिंग इन द सेम डिनोमिनेटर इन इक्विवेलेंट फॉर्म में, फिर था एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना। तो इस तरह से एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लोगे प्रत्येक टॉपिक को, और ब्रेन टीचर को होम असाइनमेंट में कर लीजिएगा। कल के होम असाइनमेंट में भी दिए हुए थे ब्रेन टीचर, तो एक बार सारे एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। अगर जो बच्चे हमारे ब्रेन टीचर कंप्लीट कर लिए होंगे वो एग्जाम्पल को देख लेंगे, और जो बच्चे ब्रेन टीचर नहीं बनाए होंगे वह ब्रेन टीचर को बना लीजिएगा। ओके okay?